हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। उनसे रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज कवर करेंगे और हम पढ़ने वाले हैं उन्होंने क्या क्या काम किया है, उनकी बायोग्राफी, थ्रू आउट उनकी लाइफ जो भी उनका वर्क रहा है, आज उसी से रिलेटेड हम अपने एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। तो चलिए एमसीक्यूज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ उनकी बेसिक डिटेल जान लेते हैं जो हमें पता होनी चाहिए, उसके बाद हम अपने एमसीक्यूज स्टार्ट करेंगे। सो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, इट वॉज़ हिज फुल नेम, ये इनका पूरा नाम था, और इनका जन्म हुआ था, बर्थ 26 मार्च 1874 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? इन सैन फ्रांसिस्को USA, वहाँ पर ये जन्म हुआ। और इनकी डेथ हुई थी 29 जनवरी 1963 एट द एज ऑफ 88 इन स्लीप, ड्यूरिंग हिज स्लीप ही वॉज डाइड। सो जन्म हुआ था कब? डेथ हुई थी इनकी 1963 में, 88 की इनकी एज थी। बॉस्टन USA में ही इनकी डेथ हुई थी। नाउ वी विल टॉक अबाउट हिज फादर। वेल, हिज फादर वॉज विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट जूनियर, इट वॉज हिज फुल नेम। वैन ही वॉज ओनली 11 ईयर ओल्ड, हु रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हिज फादर डाइड। तो जब वो 11 साल के थे हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उस समय इनके पिता जो थे विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट जूनियर, उनकी डेथ हो गई। His father died in 1885 and his mother Isabel Moody, जो Isabel Moody थी, वो उनकी डेथ हुई इन 1900। शी वॉज अ स्कॉटिश वूमेन, एक स्कॉटिश वूमेन थी वो, और उनकी डेथ कब हुई? 1900 में इनकी डेथ हुई। और इनकी एक सिस्टर भी थी, थोड़ा सा क्या था इनमें मेंटल इश्यूज़ था, और इस सिस्टर को भी मेंटल इंस्टीट्यूशन में डालना पड़ा, जहाँ पर कुछ साल बाद उसकी भी मौत हो गई थी। नाउ वी विल टॉक अबाउट हिज स्पाउस, हिज वाइफ, जो इनकी वाइफ थी वो थी एलिनोर मिरियम वाइट, वो थी जो इनकी डेथ हुई इन 1938 ड्यू टू ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर की वजह से उनकी भी 1938 में मौत हो गई, वो भी उनकी भी डेथ हो गई। इनकी 6 बच्चे थे और उन 6 बच्चों में से सिर्फ एक ही सर्वाइव कर पाया, बाकी बच्चों की इनकी डेथ हो गई थी। Out of 6, only one daughter, Leslie, survived. Now, we will start our MCQ. अपने MCQ शुरू करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, ही मैरिड इन 1895, इनकी 1895 में एलनर के साथ शादी हो गई। अटेंडेड हार्वर्ड कॉलेज फॉर 2 ईयर, हार्वर्ड कॉलेज अटेंड किया इन्होंने 2 साल के लिए, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से इन्हें बीच में छोड़ना पड़ा था। 1897-98 एंड देन विद अ फैमिली सेटल्ड टू द फार्मिंग, उसके बाद ये कहाँ पर सेटल्ड हो गए? फार्मिंग के लिए सेटल्ड हो गए। इनके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने मरने से पहले नॉर्थ हेम्पशायर में इनके लिए एक फार्म खरीदा, वहाँ पर ही क्या करते थे? फार्मिंग करते थे, और उसके बाद जो समय बचता था उसमें ये पोएम्स लिखते थे। और लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये एज अ पोएट तो सक्सेसफुल हुए, लेकिन एक एज अ फार्मर ये फेल हो गए, और अपनी फैमिली के क्या करते थे, नेसेसिटीज़ को ये पूरा करते थे। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ए विलियम शेक्सपियर, बी वॉल्ट विटमैन, सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड डी डिकेंस। सो राइट आंसर इज सी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट इज, इन 1961 फ्रॉस्ट वॉज इन्वाइटेड टू रीड अ पोएम एट द इनोग्रेशन ऑफ प्रेसिडेंट कैनेडी ऑन 20 जनवरी, नेम द पोएम। 1961 में जो फ्रॉस्ट थे उन्हें अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने अपनी इनोग्रेशन सेरेमनी पर इनको इन्वाइट किया कि आप आइए और एक हमारे लिए क्या पढ़िए, एक पोएम पढ़िए। सो उन्होंने वहाँ पर एक पोएम पढ़ी थी, वो पोएम कौन सी थी? ए बर्चेज, बी मोइंग, सी द गिफ्ट आउट राइट एंड डी नन। सो राइट आंसर इज सी, द गिफ्ट आउट राइट। ये क्या थी? एक ग्रेट पेट्रियोटिक पोएम थी जो उन्होंने कब पढ़ी थी? ऑन 20 जनवरी 1961 ऑन द इनोग्रेशन सेरेमनी ऑफ प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिज नेम वॉज नेम्ड आफ्टर अ वॉरियर कम स्कॉलर ऑफ द साउथ, हु इज ही? देखिए इनका नाम जो है एक साउथ के स्कॉलर थे, जो वॉरियर भी थे और स्कॉलर भी थे, उनके नाम पर रखा गया था। उनका वो कौन थे? रॉबर्ट लेविस फ्रॉस्ट, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट और रोनाल्डो री फ्रॉस्ट एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज बी, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, उनके नाम पर इनका नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड फ्रॉस्ट सेल हिज आर्म एंड टेक द फैमिली टू इंग्लैंड। देखिए क्या हुआ था, इन्होंने अपना जो फार्म था जहाँ पर ये रह रहे थे उसको बेच दिया, और बेचने के बाद ही अपनी पूरी फैमिली को लेकर कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। हमसे पूछा गया है कि कौन से ईयर में ये इंग्लैंड गए थे?
ए 1912, बी 1913, सी 1914 एंड डी 1915. सो राइट आंसर इज़ ए 1912. 1912 में क्या किया था, ये फ्रॉस्ट ने सेलिंग करके मतलब शिप के थ्रू ये कहाँ चले गए, ग्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन में चले गए. इन्होंने जो न्यू हैम्पशायर का अपना फार्म था उसको सेल कर दिया था, और ब्रिटेन में जाने के बाद 1912 यानी कि 1912 में वहाँ पर गए. 1913 में 1913 इन्होंने अपना पहला एक वॉल्यूम लिखा अ बॉयज़ विल, जिसे पब्लिश किया था किसने, डेविड नट ने, और इसमें काफ़ी सारी जो थी इनकी पोएम का कलेक्शन था. फिर 1914 में इन्होंने लिखी नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, इसमें ये कलेक्शन था 17 पोएम का. इसको भी वहाँ के जो पब्लिशर थे डेविड नट ने, उन्होंने इसको क्या किया था, पब्लिश किया था. एंड नॉर्थ ऑफ बॉस्टन इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ बुक ऑफ पीपल बिकॉज मोस्ट ऑफ द पोएम डील विद न्यू इंग्लैंड थीम्स एंड यंकीज फार्मर, वहाँ के जो फार्मर्स थे उनके बारे में थी, यंकीज फार्मर के बारे में थी, इसी वजह से इसे बुक ऑफ पीपल भी बोला गया था. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉस्ट हैड रिटर्न टू अमेरिका विद हिज फैमिली इन, देखिए फिर अमेरिका से इन्हें अमेरिका वापस भी आना पड़ा इंग्लैंड से, तो कौन से ईयर में आए थे, ए 1914, बी 1915, सी 1916 एंड डी 1917. सो राइट आंसर इज बी 1915. देखिए 1912 में ये कहाँ गए, अमेरिका से ब्रिटेन गए. 1913 में इन्होंने पहला वॉल्यूम लिखा अ बॉयज़ विल, पब्लिश किया डेविड नट ने. दूसरा वॉल्यूम लिखा इन्होंने 1914 में नॉर्थ ऑफ बॉस्टन. उसके बाद 1915 में ये वापस कहाँ आ गए, अमेरिका आ गए. किसको लेकर, अपने परिवार को लेकर. क्यों आए थे, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर जो था वो स्टार्ट हो गया, कब, 28 जुलाई 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्टेड स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से इन्हें वहाँ पर अमेरिका, सॉरी इंग्लैंड को छोड़कर वापस कहाँ आना पड़ा, अमेरिका आना पड़ा. सो ही रिटर्न टू अमेरिका ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इन 1915. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉस्ट पोएम आर ल्यूसिड एंड सिंपल दे आर रिटन इन, जो उनकी पोएम थी बहुत ज़्यादा सिंपल होती थी, समझने में बहुत आसान से समझ में आ जाती थी, तो वो किस में लिखी हुई थी, ए अमेरिकन डायलेक्ट, बी न्यू अमेरिकन डायलेक्ट, सी न्यू इंग्लैंड डायलेक्ट एंड डी नन ऑफ दीज. सो राइट आंसर इज सी न्यू इंग्लैंड डायलेक्ट. नेक्स्ट इज नो डाउट ही इज़ अ पेस्टोरल पोएट, ही इज़ कॉन्शियस ऑफ नेचर्स चार्म, बट ही नो द बैरियर डेट लाई बिटवीन मैन एंड नेचर, हु इज़ बींग रेफर्ड हीयर. देखिए उन्हें एक पेस्टोरल पोएट थे वो, नेचर के पोएट भी उनको कहा जाता है, लेकिन उन्हें पता था कि नेचर और इंसान को कब अलग करना है, उन्हें दोनों का डिफरेंस पता था. सो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, ए विटमैन, बी डिक्सन, सी सैंडबर्ग एंड डी फ्रॉस्ट. सो राइट आंसर इज डी फ्रॉस्ट, और रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ नोन एज अ नॉन सीरियस पोएट ड्यू टू हिज ह्यूमर. देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको नॉन सीरियस पोएट कहा जाता था अपने ह्यूमर की वजह से, ए फ्रॉस्ट, बी विटमैन, सी डिक्सन एंड डी सैंडबर्ग. सो राइट आंसर इज ए फ्रॉस्ट. तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज नॉन सीरियस पोएट. नेक्स्ट इज अ पोएम बिगेंस इन डिलाइट एंड एंड इन विस्टम, हुज कमेंट इज दिस. ये कमेंट किसका है कि जो पोएम है वो डिलाइट से शुरू होती है, हमें आनंद मिलना शुरू होता है, और जब वो ख़त्म होती है तो एक सीख के साथ ख़त्म होती है. ए डिक्सन, बी विटमैन, सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड डी नन ऑफ दीज. सो राइट आंसर इज सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट. नेक्स्ट इज विच पोएम ऑफ फ्रॉस्ट वॉज फेवरेट ऑफ नेहरू, इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उनकी बात यहाँ पर हो रही है, उनकी एक फेवरेट पोएम थी जो किसके द्वारा लिखी गई थी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही लिखी गई थी, और वो उसकी जो पंक्तियाँ थी, उस पोएम की जो पंक्तियाँ थी वो अपने पास लिख कर रखते थे हमेशा, और उनकी टेबल पे वो रहती थी जिसको वो पढ़ते थे. तो वो कौन सी पोएम थी, ए स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, बी कैप्टन माय कैप्टन, सी द गिफ्ट आउटराइट एंड डी नन ऑफ दिस. सो राइट आंसर इज ए स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग. और ये जो द गिफ्ट आउटराइट है ये वही पोएम है जो इन्होंने जॉन एफ कैनेडी के इनोग्रेशन सेरेमनी पर पढ़ी थी इन 1961. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑथर्ड द पोएम मोइंग एंड मेंडिंग वॉल. देखिए दो पोएमें किसके द्वारा लिखी गई है, ए विटमैन, बी डिक्सन, सी सैंडबर्ग एंड डी फ्रॉस्ट. सो राइट आंसर इज डी फ्रॉस्ट. तो देखिए ये मोइंग, और ये मोइंग जो पोएम है ये कौन से कलेक्शन से थी इनकी, ये अ बॉय विल्स जो है उस कलेक्शन से इनकी ये पोएम थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फैक्ट इज द स्वीटेस्ट ड्रीम द लेबर नॉन, फ्रॉम विच पोएम हैज़ दिस लाइन बीन टेकन. ये जो लाइन है ये कहाँ से ली गई है, ए मेंडिंग वॉल, बी द गिफ्ट आउटराइट, सी मोइंग एंड डी नन ऑफ दिस. सो राइट आंसर इज सी मोइंग. अगेन ये मोइंग से ली गई है जो किस कौन से कलेक्शन से थी इनकी, अ बॉयज़ विल, रिटन इन 1913, पब्लिश बाय डेविड नट इन
इंग्लैंड, एंड बाद में ये जो है अमेरिका में बहुत ज़्यादा पब्लिश हुई थी। जब ये रिटर्न आए तो वहाँ वापस आए वहाँ से ये अमेरिका, तो वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। क्योंकि किसके ऊपर थी? यंकिस फार्मर के ऊपर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फर्स्ट फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम वॉज, देखिए उन्होंने सबसे पहले इनकी जो पोएम पब्लिश हुई थी वो कौन सी थी? ए मेंडिंग वॉल, बी द गिफ्ट आउटराइट, सी माई बटरफ्लाई एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज सी माई बटरफ्लाई। जो माई बटरफ्लाई पोएम थी ये इनकी पहली पोएम थी जो इन्होंने क्या करी थी, सेल कर दी थी, बेच दी थी। वेल, ये इनकी सबसे पहली पोएम थी, इन्होंने सिर्फ $15 में इस पोएम को बेच दिया था। और ये पब्लिश हुई थी नवंबर 8, 1894 को न्यूयॉर्क इंडिपेंडेंट एडिशन में। और यही वो पोएम थी जब इन्होंने 1894 में लिखी थी ये माई बटरफ्लाई एंड एलेजी, और ये पब्लिश हुई और इसे फिर सिर्फ $15 के लिए इन्होंने बेच दिया। अपनी इस कामयाबी से ये इतने ज़्यादा खुश हुए कि इन्होंने जाके एलनोर को क्या कर दिया था, प्रपोज कर दिया था। बट जो एलनर थी उसने मना कर दिया था, वो पहले अपना कॉलेज ख़त्म करना चाहती थी, तो फिर उसने उस ईयर इन्हें मना कर दिया। फिर 1895 में दोबारा इन्होंने उसे प्रपोज किया और इनकी शादी हुई थी उससे, जिसके इन्हें 6 बच्चे हुए थे और जिसमें से सिर्फ एक ही सर्वाइव करी थी, उनकी एक डॉटर लेजली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई लॉन्ग डैश विस्पर्ड एंड लेफ्ट द हेड टू मेक, दिस लाइन इज़ फ्रॉम मोइंग। ये लाइन जो है मोइंग पोएम से है और इसको हमें कंप्लीट करना है। ए पेंसिल, बी पेन, सी स्वर्ड एंड डी साइथ। सो राइट आंसर इज डी साइथ। नेक्स्ट इज आई कुड से डैश टू हिम, दिस इज लाइन फ्रॉम मेंडिंग वॉल। देखिए लाइन मेंडिंग वॉल से है, इसको कंप्लीट करना है। ए फेरीज, बी गोस्ट, सी एल्व्स एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज सी एल्व्स। एल्व्स कौन होते हैं? जैसे आपने स्नो वाइट की भी स्टोरी पढ़ी होगी, जो उसमें जो छोटे छोटे बौने होते हैं उनको एल्व्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लैंड वॉज अवर्स बिफोर वी वर द लैंड्स, कि ये लैंड जो है हम उस ये लैंड हमारी है लेकिन उससे पहले हम इस लैंड के हैं। ये लाइन कौन सी पोएम की है? ए द गिफ्ट आउट राइट, बी द मेंडिंग वॉल, सी परचेज एंड डी स्टॉपिंग बाय वुड्स। सो हमारा सही आंसर है, राइट आंसर इज ए द गिफ्ट आउट राइट। ये जो द गिफ्ट आउट राइट है ये कौन सी पोएम थी? वेल, ये एक पेट्रोटिक पोएम थी, देशभक्ति के ऊपर थी। और ये इन्होंने कहाँ पढ़ी थी? जब जॉन एफ कैनेडी ने इन 1961 में अपने इनोग्रेशन में इन्हें बुलाया था कि आइए और हमारे लिए एक पोएम पढ़िए, तब इन्होंने ये वाली पोएम वहाँ पर एज अ स्पीच पढ़ी थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सन वॉज वार्म बट द विंड वॉज चिल, कि सन के सूरज कैसा है, गर्म है, लेकिन फिर भी हवाएं कैसी हैं, काफ़ी ठंडी है। ये लाइन इनकी किस पोएम की है? ए टू ट्रैम्प्स इन मड टाइम, बी मेंडिंग वॉल, सी बर्चेज एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज ए टू ट्रैम्प इन मड टाइम से ये लाइन ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट पोएम आर नोन फॉर, इनकी पोएम किस चीज़ के लिए जानी जाती थी? ए यूनिवर्सलिज्म, बी यूटिलिटेरियनिज्म, सी रीजनलिज्म एंड डी सोशलिज्म। सो राइट आंसर इज सी रीजनलिज्म। रीजनलिज्म के लिए इनकी पोएम जानी जाती थी, क्योंकि इन्होंने जो अपनी पोएम थी किसके ऊपर लिखी थी? यंकी फार्मर्स के ऊपर भी लिखी थी, तो ज़्यादातर इनकी पोएम रीजनलिज्म के लिए ही जानी गई हैं। नेक्स्ट इज फर्स्ट पोएम रिप्रेजेंट, इनकी पोएम ज़्यादातर क्या दिखाती थी, क्या रिप्रेजेंट करती थी? ए ओल्ड इंग्लैंड, बी न्यू इंग्लैंड, सी ओल्ड अमेरिका एंड डी न्यू अमेरिका। सो राइट आंसर इज बी न्यू इंग्लैंड। क्योंकि ये कहाँ शिफ्ट हो गए थे? ये अमेरिका से अपना फार्म वार्म बेच कर वो 1912 में कहाँ चले गए थे? ये न्यू इंग्लैंड चले गए थे, वहीं जाकर बसे थे। और फिर वहाँ पर इन्होंने अपनी दो फेमस वॉल्यूम कलेक्शन भी लिखा, पोएम कलेक्शन लिखा, बॉयज़ विल एंड नॉट बोस्टन, जिसके बाद वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से 1915 में इन्हें वापस कहाँ आना पड़ा था? अमेरिका आना पड़ा था। और जब ये अमेरिका वापस आए तभी क्या थे? काफ़ी सक्सेसफुल हो चुके थे, क्योंकि इन्हें स्टार्टिंग में अपने पोएम के लिए अमेरिका में क्या नहीं मिल रहे थे? पब्लिशर नहीं मिल रहे थे, लेकिन जब ये इंग्लैंड गए तो वहाँ जाते ही काफ़ी सक्सेस इन्हें हासिल हुई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोएम बर्चेज अपियर्ड इन 1916 में ये पोएम आई थी और इनके कौन से वॉल्यूम में ये अपियर हुई? ए अमास्को मर्सी, बी अ विटनेस ट्री, सी न्यू हैम्पशायर एंड डी माउंटेन इंटरवल। सो राइट आंसर इज डी माउंटेन इंटरवल। माउंटेन इंटरवल में ये अपियर हुई थी। इसके साथ एक चीज़ और है कि जितने भी कलेक्शन, जो भी वर्क इन्होंने इंग्लैंड में रहते हुए क्रिएट किया था, वो इन्होंने किसको डेडिकेट किया था? वेल, वो इन्होंने एडवर्ड थॉमस को डेडिकेट किया था। जब ये अमेरिका से कहाँ गए थे? इंग्लैंड में गए थे, तब ये किससे मिले थे? एज्रा पाउंड से और एडवर्ड थॉमस, इन दोनों से इनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। और एज्रा पाउंड तो पहली थी जिन्होंने इनके वर्क के बारे में काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ लिखे थे। तो जो भी इनका वर्क था, इन्होंने वहाँ पर जितना वर्क भी क्रिएट किया, अपने दोस्त एडवर्ड थॉमस को इन्होंने डेडिकेट किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस पोएम रिफ्लेक्ट फ्रॉस्ट रिएक्शन. ये जो पोएम है ये फ्रॉस्ट के रिएक्शन को दिखाती है. हिज एक्टिविटीज़, हिज एटीट्यूड, हिज रिस्पॉन्सेज, इन सबको शो करती है ये पोएम. इट हैज़ बीन फ्रॉम अ फर्दर रेंज 1936. सो ये द फर्दर रेंज 1936 में जो वॉल्यूम कलेक्शन था ये पोएम उसमें से ली गई है. इट वॉज़ फर्स्ट पब्लिश इन 1934, जो 1934 में सबसे पहली बार पब्लिश हुई थी. इट इज़ बेस्ड ऑन द डिग्निटी ऑफ लेबर. तो ये पोएम किसके ऊपर बेस्ड है? डिग्निटी ऑफ लेबर के ऊपर बेस्ड है. और ये कौन सी पोएम है हमसे ये पूछा गया है? ए बर्चेस, बी टू ट्रैम्स इन मड टाइम, सी मैंडिंग वॉल, एंड डी द गिफ्ट आउटराइट. सो राइट आंसर इज बी, टू ट्रैम्स इन मड टाइम. तो याद रखना है डिग्निटी ऑफ लेबर के ऊपर कौन सी पोएम बेस्ड है? टू ट्रैम्स इन मड टाइम, जो किस में अपीयर हुई थी? इन अ फर्दर रेंज इन 1936 में. ये वाली पोएम थी कौन? टू ट्रैम्स इन मड टाइम इज अ पार्ट ऑफ अ फर्दर रेंज 1936 वॉल्यूम विच वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1934. नेक्स्ट इज मैंडिंग वॉल विच इज़ अ मोनोलॉग अपियर्ड इन 1949. मैंडिंग वॉल एक पोएम है जो क्या है? एक मोनोलॉग है. ये 1914 में कौन से कलेक्शन में, कौन से वॉल्यूम में ये पोएम अपियर हुई थी? ए नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, बी अ बॉयजवेल, सी अ विटनेस ट्री, एंड डी नन ऑफ दी. सो राइट आंसर इज ए नॉर्थ ऑफ बॉस्टन. नॉर्थ ऑफ बॉस्टन में ये अपियर हुई थी. नेक्स्ट इज दिस पोएम विच पोएम प्रेजेंट द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन. कौन सी ऐसी पोएम है जिसमें कॉलोनाइजेशन के बारे में दिखाया गया है? ए बर्चेस, बी द गिफ्ट आउट राइट, सी मैंडिंग वॉल, एंड डी स्टॉपिंग बाय वुड. सो राइट आंसर इज बी, द गिफ्ट आउट राइट. द गिफ्ट आउट राइट जो है कब पब्लिश हुई थी? 1942 में. और किस लिए ज़्यादा ये फेमस है? क्योंकि इन्होंने जॉन एफ कैडी के इनोग्रेशन में पढ़ी थी. ये कब? इन 1961 में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोएट्री इज़ अ वे ऑफ टेकिंग लाइफ बाय द थ्रोट. दिस इज द ओपिनियन ऑफ. ये किसका ओपिनियन था? ए विटमैन, बी डिकिंसन, सी सैंडबर्ग, एंड डी फ्रॉस्ट. सो राइट आंसर इज डी, फ्रॉस्ट. ये फ्रॉस्ट का मानना था कि पोएट्री इज अ वे ऑफ टेकिंग लाइफ बाय द थ्रोट. नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्ट इन राइटिंग पोएट्री इज टू मेक ऑल पोएम साउंड एज डिफरेंट एज पॉसिबल फ्रॉम ईच अदर. कि हमें पोएट्री लिखते समय ऐसे ऑब्जेक्ट का यूज़ करना चाहिए कि जितनी भी हम पोएट्री लिखते हैं वो सब एक दूसरे से अलग होनी चाहिए. मतलब जब उन्हें पढ़ें तो सारी अलग लगनी चाहिए, एक जैसी नहीं लिखनी चाहिए. किसने कहा है? ए विटमैन, वी डिकिंसन, सी फ्रॉस्ट, एंडी सैंडबर्ग. सो राइट आंसर इज सी, फ्रॉस्ट. रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का ऐसा कहना था. नेक्स्ट इज Just as you say, have it your own way, then my man is it, you talk like a professor, Frost. ये लाइन कौन सी कलेक्शन से है? A Hundred Collar, B The Gift Outright, C Birches, and D None of These. So right answer is A, A Hundred Collar. ये 100 Collars की लाइन्स हैं. Next is, better than married ought to be as good as married that what he has always said. ये लाइन कहाँ से हैं? These lines are from A Hundred Collar, B Birches, सी द हाउस कीपर, एंड डी नन ऑफ दिस. सो राइट आंसर इज सी, द हाउस कीपर. हाउस कीपर से हैं ये. नाउ नेक्स्ट इज होम इज द प्लेस वेयर व्हेन यू हैव टू गो देयर दे हैव टू टेक यू इन. दीज लाइन्स आर फ्रॉम. उनका कहना है कि घर ऐसी जगह है कि जब आप वहाँ जाएं तब उन्हें आपको वहाँ पर लेना ही पड़ता है. ये लाइन इनकी कौन सी पोएम से है? ए द डेथ ऑफ हार्ड मैन, बी द हाउस कीपर, सी द गिफ्ट आउट राइट, एंड डी नन ऑफ दिस. सो राइट आंसर इज ए, द डेथ ऑफ हार्ड मैन. नेक्स्ट इज आवर लाइफ रन्स डाउन इन सेंडिंग अप द क्लॉक, द ब्रुक रन डाउन इन सेंडिंग अप द ब्रुक. दिस लाइन्स अपीयर इन ए वेस्ट रनिंग ब्रुक, बी बर्चेस, सी मैंडिंग बॉल, एंड डी नन ऑफ दिस. सो राइट आंसर इज ए वेस्ट रनिंग ब्रुक. तो हम यहाँ से आइडिया भी ले सकते हैं ब्रुक एंड ब्रुक यहाँ पर यूज़ किया गया है. तो ये लाइन किसकी है? वेस्ट रनिंग ब्रुक की है. ऐसे ही स्टॉपिंग बाय वुड्स की कुछ फेमस लाइनें हैं जो उसमें वुड का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ, तो उसे पता लगता है कि वो स्टॉपिंग बाय वुड्स की लाइन्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टुडे विल बी द डे ऑफ व्हाट वी बोथ सैड. दिस लाइन अपीयर इन ए बर्चेस, बी मैंडिंग वॉल, सी वेस्ट रनिंग ब्रुक, एंड डी नन. सो राइट आंसर इज सी, वेस्ट रनिंग ब्रुक. नेक्स्ट इज द यूनिवर्सल कैटार्क ऑफ डैड दैट स्पैन टू नथिंगनेस एंड अनरेजिस्टेड. ए बर्चेस, बी मैंडिंग वॉल, सी वेस्ट रनिंग ब्रुक, एंड डी नन. सो राइट आंसर इज सी, वेस्ट रनिंग ब्रुक. दिस लाइन्स आर फ्रॉम वेस्ट रनिंग ब्रुक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप. ये लाइन किसकी है? ए स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग, बी मैंडिंग वॉल, सी वेस्ट रनिंग ब्रुक. सो राइट आंसर इज ए, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग. सो वुड एंड वुड, रिमेंबर डेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्थ ऑफ बॉस्टन इज नोन एज अ. इनकी जो बुक वॉल्यूम था
पोएम का, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, वो किस नाम से भी जाना जाता है? ए बुक ऑफ बाइबल, बी बुक ऑफ वुमेन, सी बुक ऑफ होमोसेक्सुअल एंड डी बुक ऑफ पीपल। सो राइट आंसर इज डी बुक ऑफ पीपल, क्योंकि इसमें इन्होंने किसके बारे में की है, कॉमन मैन एंड यंकी फार्मर्स की इन्होंने बात की है, इसलिए इन्हें बुक ऑफ पीपल भी इसको बोला गया है। और ये कब पब्लिश हुई थी? इन 1914। नेक्स्ट इज विच बुक ऑफ फ्रॉस्ट इज कॉल्ड एज वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी बुक ऑफ मॉडर्न टाइम्स। मॉडर्न टाइम की सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशनरी बुक इसको कहा गया है अकॉर्डिंग टू एडवर्ड थॉमस। किसके अकॉर्डिंग? एडवर्ड थॉमस। ये वही हैं जिन्हें इन्होंने अपने जो भी वर्क इंग्लैंड में करा वो किसको डेडिकेट किया था? इन्होंने एडवर्ड थॉमस को ही किया था। एज्रा पाउंड रोट अ रिव्यू ऑफ दिस कलेक्शन, और इस जो कलेक्शन का रिव्यू है वो किसके द्वारा लिखा गया था? एज्रा पाउंड के द्वारा। तो वो कौन सी बुक थी? ए नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, बी अ फर्दर रेंज, सी अ विटनेस ट्री एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज ए नॉर्थ ऑफ बॉस्टन। तो नॉर्थ ऑफ बॉस्टन को रेवोल्यूशनरी बुक माना है एडवर्ड थॉमस ने, और इसका जो रिव्यू था वो किसने लिखा था? एज्रा पाउंड ने। और ये पब्लिश कब हुई थी? इन 1914। और आप कह सकते हैं इसे डेडिकेटेड भी किया गया था एडवर्ड थॉमस को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट द अमेरिकन पीपल हैव फाउंड देयर पोएट, देयर सिंगर, देयर सीर इन शॉर्ट, देयर बार्ड, हु सेड। ये किसने बोला है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के रूप में अमेरिकन्स को अपना एक पोएट और एक सिंगर मिल गया था अमेरिकन्स को? तो किसने उनके बारे में बोला है? ए हमें बी एज्रा पाउंड, सी अदलाई स्टीवेंसन एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज सी अदलाई स्टीवेंसन ने उनके बारे में ये बोला है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इज हु वॉज द फर्स्ट अमेरिकन टू राइट अ फेवरेबल रिव्यू ऑफ फ्रॉस्ट वर्क। फ्रॉस्ट के काम के लिए जो फेवरेबल रिव्यू लिखे गए थे तो वो किसने लिखे थे? ए एज्रा पाउंड, बी डिकिंसन, सी विटमैन एंड डी नन। सो राइट आंसर इज ए एज्रा पाउंड। एज्रा पाउंड ही थी जो उनके काम के लिए क्या लिखे थे? काफ़ी फेवरेबल रिव्यू उनके लिखे थे। उन्होंने नॉर्थ बोस्टन अभी में पढ़ा, उसके लिए सबसे पहले उन्होंने ही रिव्यू लिखा था कि बहुत ज़्यादा, और ये भी काफ़ी जानी मानी थी। नाउ नेक्स्ट इज स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग विच वॉज रिटन इन 1922 अपीयर्ड इन। एक बहुत फेमस पोएम थी जो किसके द्वारा पसंद की गई थी? नेहरू जी के द्वारा। और ये 1922 में लिखी गई थी और अपीयर्ड किस में हुई थी? ये किसका पार्ट थी? ये ए अ न्यू हैम्पशायर 1923, बी अ बॉयजविल 1913, सी अ विटनेस ट्री 1942 एंड डी नन ऑफ दी। सो राइट आंसर इज ए न्यू हैम्पशायर 1923 में ये पोएम अपीयर हुई थी, और लिखी कब गई थी? 22 में, अपीयर हुई थी 1923 में। नेक्स्ट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच वॉज। ए सिमली, बी मेटोनॉमी, सी ऑक्सीमरन एंड डी सिनेडिकी। सो सिनेडिकी क्या होता है? सिनेडिकी इज अ वर्ड विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट होल। जैसे हम कोई एक वर्ड यूज़ करते हैं पूरे को दिखाने के लिए, जैसे मैं कह सकती हूँ हायर्ड हैंड्स। हायर्ड हैंड्स आप किसके लिए यूज़ कर सकते हैं? वर्कर्स के लिए। और ब्रेड, ब्रेड इज़ यूज टू रिप्रेजेंट फूड, फूड की प्लेस पर ब्रेड। तो मतलब एक बड़ी किसी चीज़ को दिखाने के लिए जब हम छोटे से वर्ड को यूज़ कर लेते हैं उसको सिनेडिकी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई माइट बी कॉल्ड अ सिनेडिकिस्ट फॉर आई प्रिफर सिनेडिकी इन पोएट्री, डेट फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी यूज अ पार्ट फॉर द होल। तो वो कहते हैं कि मुझे आप सिनेडिकिस्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि मैं अपनी पोएट्री में सिनेडिकी को ही यूज़ करता हूँ। ये वो फिगर ऑफ स्पीच है जो एक पार्ट को दिखाने के लिए क्या करते हैं, एक छोटे से वर्ड को यूज़ करते हैं पूरे हॉल पूरी चीज़ को दिखाने के लिए। तो और उनकी फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच थी किसकी? ए विटमैन, बी फ्रॉस्ट, सी डिकिंसन, एंडी सैंडबर्ग। सो राइट आंसर इज बी फ्रॉस्ट। तो ये फ्रॉस्ट की क्या थी? फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच थी, और वो अपने आप को क्या मानते थे? सिनेडिकिस्ट भी मानते थे। नेक्स्ट इज हाउ मैनी टाइम्स ही वन पुलिट्ज़र प्राइज़, कितनी बार इन्होंने पुलिट्ज़र प्राइज़ जीता? ए वन, बी फोर, सी थ्री एंड डी फोर। सो राइट आंसर इज़ बी फोर। उन्होंने फोर टाइम्स जो है अपना क्या जीता था? पुलिट्ज़र प्राइज़ जीता था। उन्हें चार बार मिला था, वह सबसे पहले 1924 में फॉर न्यू हैम्पशायर, फिर 1931 में फॉर कलेक्टेड पोएम्स, 1937 में फॉर अ फर्दर रेंज, 1943 में फॉर अ विटनेस ट्री। तो इन्हें लगातार चार साल मिला, 1924, 1931, 1937 एंड 1943। सो फोर टाइम्स इनको क्या मिला है? पुलिट्ज़र प्राइज़ मिला है। नेक्स्ट इज हाउ मैनी टाइम्स ही
नॉमिनेटेड फॉर नोबल प्राइज़। कितनी बार ये नोबल प्राइज़ के लिए नॉमिनेटेड हुए? ए 25, बी 31, सी 35 एंड डी नेवर। सो राइट आंसर इज़ बी 31। देखें, इन्हें 31 बार 31 टाइम्स ही नॉमिनेटेड फॉर नोबल प्राइज़ बट ही नेवर वन। लेकिन ये कभी जीते नहीं, इन्हें कभी नोबल प्राइज़ नहीं मिला, जबकि ये 31 बार उसके लिए नॉमिनेटेड हुए। और ये रिकॉर्ड भी है कि 31 टाइम्स इनको नॉमिनेट किया गया, किसके लिए? नोबल प्राइज़ के लिए। नेक्स्ट इज व्हेन ही बिकेम पोएट लॉरेट यूनाइटेड स्टेट। ये यूनाइटेड स्टेट के पोएट लॉरेट कब बने थे? ए 1960, बी 1961, सी 1962 एंड डी 1963। सो राइट आंसर इज बी 1961। 1961 में इन्हें यूनाइटेड स्टेट का पोएट लॉरेट बनाया गया था। और क्योंकि अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय ये वर्मोंट में बिताते थे, वहाँ पर वहाँ का जो कॉलेज था मिडलबरी कॉलेज वर्मोंट में था और वहाँ पर ज़्यादा बिताते थे टाइम, इसीलिए इनको पोएट लॉरेट वर्मोंट भी कहा जाता था। और मरने के बाद इनको वहीं पर दफनाया भी गया, कहाँ पर? वर्मोंट में। और जो इनका एपिटाफ था, मतलब जो इनकी कब्र पर जो पत्थर लगा था उस पर जो एपिटाफ की जो लाइनें थी, वो इनकी पोएम द लेसन फॉर टुडे 1942 से ली गई थी, जिसकी लाइन थी आई हैड अ लवर्स क्वारल विद द वर्ल्ड। ये इनके एपिटाफ की लाइन थी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू शेयर मोर एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।